बताओ बताइए आप लोग कल कितना हम लोग विकास कर लिए थे हैं? बाकी का विकास अब आज से शुरू करें। कितना विकास हो गया था नहीं बताओगे? कल वाला प्रैक्टिस आप लोगों ने किया नहीं करा प्रैक्टिस? कल वाला आप लोगों ने प्रैक्टिस करा नहीं करा? क्यों? अच्छा आपने करा, बाकी लोगों ने? देखिए एक ठोके पढ़ने से देश नहीं बदलेगा जी, सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको आवाज उठाना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा, तब देश में दोबारा आज़ादी आएगा जी, ठीक है? इसलिए आप लोग सारे लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए जी, ठीक है, तभी देश बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा जी, ठीक है? तो क्या बदल जाए? मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा क्लास बदल जाए। अच्छा पहले क्लास तो बदल जाए, क्या बात है। तो क्या आप लोगों को लगता है जी, क्लास नहीं बदलेगा? बदलेगा हाँ, आप लोगों को क्या लगता है क्लास बदलेगा नहीं बदलेगा? पीछे अच्छा चाहेंगे तो बदल जाएगा, तो रोका कौन है चाहिए बदलने के लिए? चाह जाइए कि बदल जाए, इसने रोक रखा है क्या? हैं? ऑनलाइन पढ़ पढ़ के? अच्छा ऑनलाइन पढ़ के आलसी हो गए? सच में कितने लोग आलसी हो गए भाई? पीछे कितने लोग आलसी हो गए ऑनलाइन पढ़ के? सब लोग आलसी हो गए। चलिए आलसी से मेरे को एक ठो संस्कृत का श्लोक याद आ गया, मालूम क्या? मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था बचपन में, मैं देर तक सोता था इसलिए। क्या सिखाया था? खड़ दोष पुरुषे नाम हातव व्याम भूतमिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोधा आलस्या दृढ़ शत्रुता। समझ में आया? नहीं आया समझ में? जाइए दो तीन साल संस्कृत पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? बोलिए छोटा सा बात के लिए संस्कृत पढ़े हम इतना? हिंदी मैं बता देता हूँ, खट दोष पुरुष है नाम, मतलब पुरुष में छह ठो दोष पाए जाते हैं। इधर आ जाओ, ठीक है? छह ठो दोष होते हैं पुरुष में, क्या क्या? खट दोष पुरुष है नाम, हात्यभ्याम भूतमिक्षता, हताश हो जाना। कोई भी काम जब आप करने जा रहे हैं ना तो करिए आराम के साथ, ठीक है? उसको देख के हताश नहीं होने का, हताश हो जाना कि मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, मेरी कल्पना से बाहर का है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं छोटा आदमी हूँ, ठीक है? तो ये कहलाता है हताश होना, ठीक है? तो हताश नहीं होना चाहिए, आराम से करिए होगा, ठीक है? धीरे धीरे करिए होगा। उसके बाद क्या? निद्रा तंद्रा, निद्रा खूब सोना, ठीक है? विद्यार्थी जीवन में बहुत कम सोना चाहिए जी, उतना सो जितने से कि आपका काम चल जाए, ये नहीं कि बस सो गए तो बस 10 बजे या 12 बजे हमको उठना ही नहीं है। मैं दिन का बात कर रहा हूँ, 10 और 12, ठीक है? सो गए तो उठना ही नहीं दी, ठीक है? तो खूब ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ठीक है? खड़गोस पुरुष नाम हातव्याम भूतमिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोधा। तंद्रा, तंद्रा मतलब क्या होता है? खूब जमाई लेना, क्या करूं आलस आ रहा है, ठीक है? तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए। भय क्रोधा, ठीक है? क्रोध आप किसी के ऊपर ना करो जी, कि क्रोध आया बोले उठा लूंगा इसको, दिखा दूंगा मैं कौन हूँ, देख लूंगा इसको, ठीक है? ये सब होना नहीं चाहिए जी, ठीक है? भय, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए किसी बात का, ठीक है? समस्या दूर हो तो उससे लड़ने का प्लानिंग करो, समस्या पास हो जाए तो उससे लड़ो, जीतेंगे या हारेंगे वो बाद में देखा जाएगा, पहले लड़ो, डरने का नहीं, ठीक है? आलस या दृढ़ सूत्रता, आलस मने आलस आप लोग समझ ही रहे हो, आलस भी नहीं होना चाहिए जी। दृढ़ सूत्रता,
मतलब क्या, काम कितने समय का है जी? 1 घंटे का है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस 1 घंटे के काम को पूरा दिन में करेंगे। ये होना नहीं चाहिए जी। 1 घंटे का काम है तो 1 घंटे से आप पहले कर दो, या 1 घंटे में तो कंप्लीट ही कर दो, ठीक है? तो दीर्घसूत्रता नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं क्या, आज के सरकारी बाबू, ठीक है? सरकारी बाबू जो है उनका ऐसा ही काम होता है जी, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है? कुछ सरकारी बाबू लोग हुए, कुछ सरकारी कर्मचारी अधिकारी हुए, मैं मिनिमम हुए, जो ठीक ठाक करते हैं, अन्यथा सब वैसे ही होते हैं, ठीक है? आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आपने सुना है कहावत ना, सरकारी काम धीरे धीरे ही होता है। क्यों होना चाहिए भाई धीरे धीरे सरकारी काम, क्यों होना चाहिए? सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, तो ज्ञानी के लिए तो काम करना आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी करना चाहिए, लेकिन फिर भी आराम से लगे रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे, क्यों? तो ऐसा होना नहीं चाहिए जी। तो आप लोग सरकारी बाबू बन जाओगे तो क्या ऐसे काम करोगे? पक्का? गलती तो भी मत कर लेना, बता दे रहा हूँ, ठीक है? आए जो सरकारी बाबू लोग कर रहे हैं ना आज का काम कल, वो गलती नहीं कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं। कितना हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए, उस सरकारी बाबू से काम कराना है हमें, हम उसका बुराई क्यों करेंगे? हम उसका बुराई कर देंगे, नाराज हो जाएगा, काम नहीं करेगा हमारा, ठीक है? तो आप लोग ऐसा मत करना जी कि 1 घंटे का काम 1 दिन में करना, 2 दिन में करना, ठीक है? ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो और सुनाओ क्या चल रहा है? बढ़िया है, कल वाला काम हो गया? नहीं हुआ कल वाला काम, तो आज करने का है विचार? है आज करने का है विचार? नहीं है, है नहीं है, तो टाइम नहीं मिला कल काम करने के लिए? मिला कल वाला? अगर आप लोग नहीं किए होंगे, सही बता रहा हूं, तो आज वाला आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कल वाला काम अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो आज वाला काम जो है समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कल वाला। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको कल हम लोग किए क्या थे। कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किए थे, कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं चलाए थे हम लोग, ठीक है? क्या किए थे कल? यही तो काम किए थे हम लोग कल। कुछ डेटा सेव करके रखे थे, ठीक है? वो क्या डेटा था जो हम सेव करके रखे थे? यही डेटा था, यही था ना? हाँ, चलिए मार देता हूँ मैं एंटर, ठीक है? तो यही था और क्या रहेगा, ठीक है? तो ठीक है ना, इसमें तो किसी को समस्या कुछ होगा नहीं जी, ठीक है? इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में अभी दिख रहा है, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक्सेल के फॉर्म में हो जाए, ठीक है? तो एकदम एक्सेल तो बनेगा नहीं जी एक्यूरेट, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे बनाने के लिए, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और डॉक्यूमेंट बना लूंगा, बोल यहाँ पे लिख दूंगा ये स्टूडेंट, ठीक है? और फिर एक्सटेंशन में मैं क्या दूंगा? CSV दे दूंगा, ठीक है? एक्सेल नहीं होगा वो, CSV फाइल होगा, ये ओपन होगा एक्सेल में, एक्सेल के जैसा, ठीक है? CSV का फुल फॉर्म आपको मालूम है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है? यही है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। जैसे नाम में मैं लिख दूंगा अमित, कॉमा BCA, क्या मैं लिख दिया BCA, फिर लिखूंगा जी सुमित, फिर कॉमा दूंगा, लिख दूंगा PGDCA, हो गया, बन गया एक्सेल। इसी को कर दो ऐसे, और इसको क्या करो जी, खोल दो एक्सेल में,
EXCEL खोल लेते हैं इसको एक्सेल में, तो क्या नहीं खुलेगा? खुलेगा, बस इसको पकड़ गया ऐसे खींच लो पकड़ के, बन गया जी, खुल गया भाई। नहीं खुलोगे क्या? ओ खुल गया, तो ये देखो आ गया ना, इधर अमित है, इधर डीसीए है, इधर सुमित है, इधर पीजी डीसीए है। बहुत अच्छा होगा इसी में प्लस का साइन। अब तो एक सेकंड का मुझे टाइम देना, हेलो, एक सेकंड का टाइम रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए चाहिए मेरे को। हेलो, मैं किधर था जरा बताइए। हाँ, मैंने प्लस का साइन यहाँ पे दबाया था, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस मारा, बन गया यहाँ पे कॉलम। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी, नेम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस, सेव कर देंगे, बन गया ना। यस, सेव कर दिए जी, हो गया। अब हम क्या करें, CSV चेंज किया, हाँ मैंने यस करा, क्योंकि वांट टू मेक यूजर नॉट कंफर्टेबल कम एडिटर लाइक वर्कबुक फॉर्मेट इज नो, असंभव। एक्सेल में बोल रहा है सेव करने के लिए, मैं नहीं करूंगा एक्सेल में सेव, बाहर में जा। वांट टू चेंज, रहने दे भाई, तू मत कर, जो है मेरा वो ठीक है। एडिट करता हूँ मैं इसको, ये देखिए नेम और क्लास ऐड हो गया है, बस हमारा काम बन गया है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे स्टूडेंट txt के जगह पे क्या कर देंगे, csv कर देंगे जी, ठीक है, बस हमारा लोड हो गया अब डेटा csv वाला। हो जा भाई, क्यों नाटक कर रहे हो जाओ ना, हो गया, नहीं होगा क्या, आ गया जी, यही था ना, नेम में नेम आ गया, क्लास में क्लास आ गया, ठीक है जी। तो यही है जी csv फाइल, मैं इन सबको क्या करता हूँ, डिलीट मारता हूँ, ठीक है। हम बनाते हैं प्रोग्राम, ठीक है, क्या बनाऊ प्रोग्राम, int, ठीक है, आई ले लिया मैं, ठीक है, प्रिंट एफ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक बना लेते हैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट जैसा कुछ छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ एक चॉइस का स्पेलिंग देना बताना यार, चॉइस ये है क्या, चॉइस वन एड ये स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट को ऐड करना है तो जी एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सो स्टूडेंट अगर करना है तो दो सेलेक्ट कर लो, और फिर क्या करो, तीन सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, एग्जिट चॉइस थ्री, चॉइस एग्जिट EXIT, एग्जिट का स्पेलिंग है ना, एग्जिट एप्लीकेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, AWP एप्लीकेशन, सही लिखा हूँ ना स्पेलिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका NF से इनपुट ले लूँगा, क्या लूँगा, scanf परसेंट डी कॉमा, फिर क्या कर दूंगा जी, आई ले लूंगा, ठीक है, हो गया। और यहां पे प्रिंट एफ क्या कर देता हूं जी, मैं परसेंट डी, फिर यहां पे क्या कर दूंगा, मैं आई को प्रिंट कर दूंगा जी, ठीक है, आ गया। चॉइस वन, वन चॉइस एड स्टूडेंट, टू चॉइस सो स्टूडेंट, जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं स्विच केस लगा दूंगा, ठीक है, स्पेलिंग में भूल क्यों रहा हूँ, स्विच ऐसा होगा, लिख देंगे यहाँ पे आई को दे देंगे, यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। केस वन अगर है तो क्या करो जी, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं मैं अभी के लिए एड स्टूडेंट, ठीक,
फिर लगा देते हैं ब्रेक, बी ई ब्रेक। ब्रेक क्यों लगाएंगे, ताकि क्या हो, ब्रेक हो जाए, ठीक है। फिर केस टू में क्या करो जी, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, ठीक है, सो स्टूडेंट, ठीक, ऐसे, ठीक है। फिर केस क्या कर देंगे, थ्री में हम क्या करेंगे जी, एग्जिट कर देंगे, ठीक है, तो प्रिंट एफ, ठीक है, एग्जिट एप्लीकेशन, ठीक हो गया। डिफॉल्ट भी एक बना दूं क्या, बना देता हूं डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट में क्या कर दूं मैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहां पे कर दूंगा इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है, हो गया। कम रन करूं प्रोग्राम को, काम करेगा ना, नहीं करेगा, चलिए जी, कंपाइल रन करते हैं इसको, ठीक है, चल जाओ भाई। टू में मैं एंटर किया तो सो स्टूडेंट आ गया, ठीक है, और फिर यहां से वन लिख के एंटर करूंगा तो एड स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है, आ गया ना। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं ना, कि जैसे मान लीजिए यहां पे हो क्या रहा है, कंपाइल रन मैंने करा, यहां पे वन करके एंटर कर रहा हूं तो एड स्टूडेंट एक बार हो रहा है और मेरा एप्लीकेशन ये जो है ना, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस पर क्लिक करा, ये आया, टू करा, ये देखिए सो स्टूडेंट चलाओ, तुरंत गायब हो गया ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सो स्टूडेंट सो करे, गायब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको लूप में डाल देता हूँ, ठीक है। कब ये गायब हो जाना चाहिए, जब थ्री दबाऊं तब फिर ये गायब हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। लूप में इसको पूरा मैं डालता हूं, कैसे डालूंगा जी, वाइल ऐसे कर दूंगा और यहां पे ऐसे कर दूंगा जी, ऐसे डाल दूंगा लूप में इस तरह से, ठीक है। यहां पे क्या डाल दूं, वन डाल देता हूं, हमेशा ट्रू रहेगा ये, ठीक है। और डिफॉल्ट में डिफॉल्ट प्रिंट होगा, लेकिन एग्जिट एप्लीकेशन में क्या करना होगा, जैसे ही थ्री दबाए तो यहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फोर्सफुल्ली जो है क्या हो, हट जाए, फोर्सफुल्ली एग्जिट हो जाए। तो क्या करूंगा, सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं, ई एक्स आई डी ऐसे कर दूं, स्पेलिंग मेरे को गलत लगा है, अच्छा नहीं है गलत, चलिए अच्छी बात है, थ्री करा मैंने, खत्म हो गया, ठीक है। मैं इसको चलाऊंगा तो पता चलेगा, थ्री करा मैं, हट गया, ठीक है, और थ्री ना करके मैं वन करूंगा, ये देखिए चल ही रहा है फिर से, ये देखिए वन मैंने सेलेक्ट करा ना, एड स्टूडेंट चला, उसके बाद जो है फिर से वही चल गया। टू मैं करूंगा तो फिर चल रहा है, वन कर रहा हूं तो फिर चल रहा है, ये देखिए चल रहा है ना मेरा सॉफ्टवेयर, इनवैलिड आ गया। थ्री जैसे करूंगा तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सॉफ्टवेयर, लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि यहां पे स्लैश एन दे देता हूं मैं, ठीक है, स्लैश एन दे देता हूं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, कंपाइल कर दूंगा, ठीक है, हो गया कंपाइल। और यहां से ना चला के मैं इसी पे डबल क्लिक करके चलाऊंगा, ठीक है, वन किया, एड स्टूडेंट कॉल हुआ, ठीक है, फिर से जो है हमारा बोल रहा है कि चॉइस करो अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर टू में मैं क्लिक करूंगा तो फिर स्टूडेंट पूरा शो कर दिया, सो स्टूडेंट, और फिर से यहाँ पे चॉइस चलने लगा हमारा, ये ऑप्शन आ गया ना। यहां तक सबको क्लियर है, थ्री जैसे ही मैं करूंगा तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो यहां तक सबको क्लियर है ना, चलिए
मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जो क्या करेगा, ऐड स्टूडेंट को करेगा, ऐड स्टूडेंट। इसी प्रोजेक्ट को हम लोग क्लास के थ्रू बना लेंगे सी प्लस प्लस में, ठीक है, स्टूडेंट। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब फाइल को क्या करेंगे हम, रीडिंग राइटिंग करेंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, FILE फाइल टाइप का एक बना लेंगे, पॉइंटर F बना दिया, ठीक है। और एक कैरेक्टर टाइप का हम वेरिएबल ले लेंगे C, इसमें क्या दे देंगे, 10 पास कर देंगे जी। और हमको कोर्स भी स्टोर करना है ना, तो नेम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं जी, ऐसे 10 पास कर देंगे, ठीक है। कोर्स में क्या दे दूंगा मैं जी, 5 कैरेक्टर एंटर कर लेंगे हम कोर्स में, ठीक है, सेमी कोलन दिया मैं, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, एफ ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट डॉट सी एस वी, ठीक, कॉमा दे दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे एफ में इसको होल्ड कर लिया मैं, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे होल्ड कर लिया। अब मैं क्या काम करूंगा, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ जी, प्रिंट इंटर स्टूडेंट नेम कॉमा क्लास दे दिया मैं। मैं बार बार प्रिंटिंग का मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ अभी जो है, ठीक है। फिर स्कैन एफ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, परसेंट एस कर दिया, ठीक है। फिर परसेंट एस कर दिया कॉमा, ठीक है, नेम कॉमा सी, एक ही बार में ले लिया, ठीक है। नीचे मैं एक बार प्रिंट भी करा के देख लेता हूँ, ठीक है, PRINT प्रिंट एफ की आ रहा है कि नहीं डेटा, परसेंट एस कॉमा नेम कॉमा सी, ठीक। ये फंक्शन बन गया मेरा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करके रखता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल पॉइंटर बनाया हूँ, फिर यहाँ पे वेरिएबल लिया हूँ, इसको मैं कमेंट कर दिया हूँ, इसका भी ज़रूरत नहीं है जो है, या फिर मत करो आप कमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने मैसेज दिया कि एंटर करो यूज़र, फिर एंटर करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लिया और इसको इनपुट जो लिया इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा कहीं, तभी तो चलेगा ना ये। तो चलाने के लिए मैं इसको कहाँ कॉल करूँगा, एड स्टूडेंट के पास, ठीक है। एड स्टूडेंट में आया और यहाँ पे इसे कर दिया मैं कॉल, ठीक। यहाँ पे एड स्टूडेंट थोड़ी प्रिंट कराना था, हमें स्टूडेंट को ऐड करने का क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था, लॉजिक लिखना था, ठीक, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, कंपाइल और रन कर दूंगा। आ रहा है, मैंने यहाँ पे 1 एंटर करा, अब बोल रहा है स्टूडेंट का नाम डालो, अमित लिखा, ठीक है, एंटर मारा, क्लास में दे देता हूँ मैं DCA, एंटर मारा, ये देखिए अमित DCA आ गया। उसके बाद ये 1 चॉइस एड स्टूडेंट, फिर 2 चॉइस सो स्टूडेंट वाला फंक्शंस आ गया, मैं 3 लिख के एग्जिट मार दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे /n नहीं दिया था इसलिए वैसा आ रहा था। तो डेटा तो हमने ले लिया ना यहाँ पे, अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा ना, इस डेटा को मैं क्या करूंगा, इस फाइल में राइट कर दूंगा, इस फाइल में, ठीक। कैसे राइट करूंगा आप लोग देखिए जी, आप लोग तो जानते भी हैं, क्या फंक्शन था, एफ पुट्स, ये फंक्शन था। यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी, तो इस नेम को यहाँ से उठा लूंगा मैं, यहाँ पे आऊँगा, कॉमा दूंगा और फिर फाइल पॉइंटर दे दूंगा, ठीक है, कि ए वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, फिर इसमें राइट कर देना है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को क्या करना है, नेम को ऐड कराने के बाद एक कॉमा भी तो ऐड कराना है ना, कॉमा को ऐड कराने के लिए ऐसे कॉमा को ऐड करा दूंगा। फिर क्या करूंगा जी, कॉमा देने के बाद क्लास भी तो ऐड कराना है, ये वाला सी, क्यों, ये तो मैंने प्रिंट करा था, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं सी, ठीक, क्या कह रहे हो,
सी मेरा कोर्स है ना, यहाँ पे मैं सी मैंने कोर्स भी तो ले रहा हूँ ना इनपुट, यहाँ पे मैंने सी लगा दिया ठीक है। नेम के बाद हमको क्या ऐड कराना है, कॉमा। आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए हम नेम ऐड कराते हैं, उसके बाद जो है कॉमा ऐड कराते हैं ना ताकि कॉलम बन जाए, फिर क्लास ऐड कराते हैं, उसके बाद क्या करते हैं लाइन ब्रेक करके अगले लाइन पे हम चले जाते हैं, यही करते हैं ना, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं ठीक है। कॉमा यहाँ पे लिखा और फिर यहाँ पे मैंने क्लास एंटर करा लिया ठीक है फाइल में। फिर उसके बाद नीचे आता हूँ, अब मुझे क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना है ठीक। लाइन को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे डबल कोट में स्लैश एन देना पड़ेगा। यहाँ पे जो फाइल में रीडिंग राइटिंग हो रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो रहा है ठीक है, बाइनरी के फॉर्म में नहीं कर रहे हम लोग ठीक है। बाइनरी के फॉर्म में कैसे रीडिंग राइटिंग होगा वो मैं बता दूंगा आपको ठीक है, सी प्लस प्लस में बता दूंगा ठीक है, ये सी में मैं बता दे रहा हूँ ठीक है। तो सी में भी बाइनरी में राइटिंग हो जाता है एफ रीड एफ राइट फंक्शंस वगैरह का इस्तेमाल करके ठीक है। यहाँ पे मोड में दे देते हैं बी तो हो जाता है, यहाँ पे मैं कॉमा दे करके ए प्लस ए कर देता हूँ या ए प्लस कर देता हूँ, बहुत हो जब हो अच्छा होगा कि मैं डब्ल्यू सिर्फ करके छोड़ दूँ। क्यों मैं डब्ल्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फंक्शन में खाली फाइल में राइटिंग करना है, कुछ बाकी कुछ काम नहीं करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऐड मैंने करा दिया ठीक है। अब इसके बाद क्या मैं प्रिंट कर दूं, स्टूडेंट ऐड सक्सेस ठीक, स्टूडेंट ऐड सक्सेस ऐसे दे दूंगा मैं ठीक। ये हो गया जी, हो गया ना ये। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ ठीक है, इस फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट, डिलीट हो गया ये। चलिए अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल और रन। वन मैं एंटर करा, बोल रहा है स्टूडेंट का नेम एंटर करो, अमित एंटर करा, फिर क्लास बोल रहा है, मैं बोल दिया डीसी है, एंटर किया, बोल रहा है स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुल। अब फिर से यह क्या ऑप्शन दे रहा है, अगर वन चॉइस करो तो क्या होगा ऐड होगा स्टूडेंट, टू चॉइस करोगे तो शो करेगा स्टूडेंट, थ्री चॉइस करोगे तो एग्जिट हो जाएगा एप्लीकेशन से ठीक है। तो मैंने क्या करा था, वन चॉइस करके एक स्टूडेंट ऐड करा है ना, देखते हैं जी एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो हुआ ही नहीं जी, बड़ा ना इंसाफी है। इधर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देता हूँ जी, मैं क्या था उस फंक्शन का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो फोर्सफुल्ली जो है क्या बोलते हैं डेटा एंटर कराता था, एफ क्लोज ठीक है, एफ क्लोज कर देते हैं हम, फाइल को क्लोज भी तो करेंगे, फाइल को यहाँ पे एफ क्लोज कर देते हैं, क्लोज ठीक है, एफ क्लोज में मैंने फाइल पॉइंटर डाल दिया ठीक है, हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कंपाइल और रन कर देता हूँ जी, देखते हैं क्या होता है। अब वन एंटर करा, बोल रहा है कि सेव हो गया जी, एग्जिट कर दिया मैं एप्लीकेशन। चलिए जी देखते हैं क्या होता है जी, ऐड होता है या नहीं होता है, ऐड देखिए हो चुका है ठीक है। दूसरा स्टूडेंट को अगर हमें एंटर करना है तो हम क्या करेंगे जी, कंपाइल रन करने का तो जरूरत नहीं है, सिर्फ रन कर दूं। जरा बताओ जी स्टूडेंट का नाम, कुछ नाम बताओ, नहीं बताओगे क्या, पिंटू आप ये डाल दिया, क्लास बताओ डीसी डाल दिया, एक स्टूडेंट का और नाम बताओ, हाँ क्लास में ट्वेल्थ बारहवीं दे दिया जी, हो गया। थ्री लिख के एप्लीकेशन से मैं एग्जिट हो जाता हूँ ठीक, देखते हैं ये दो लोग इसमें ऐड हुए कि नहीं हुए, ये तो बड़ा ना इंसाफी है यार, ये पार कर दिया
आखिरी में एक ठो जो पिंटू था वो है, बाकी सब तीनों डिलीट हो गए। ठीक है, मैं जब W वहाँ पे राइट कर रहा था तो मैं भूल गया था कि ये W जो है पुराना कंटेंट को डिलीट कर देता है, मुझे याद नहीं था उस समय पे। अब इसमें A डाल देता हूँ। W क्या करता है जी, पुराना कंटेंट को डिलीट कर देता है, इसलिए A मोड में ओपन करना पड़ेगा अपेंड मोड में। ठीक है, ठीक, तो ये अपेंड मोड में अब ओपन हो जाएगा हमारा A लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं क्या करता हूँ, कंपाइल और रन कर देता हूँ फटाफट, एंटर मारा, पिंटू को डाल दिया इसमें, DCA करा दिया इसको, फिर 1 एंटर करा, फिर एक इसको भी एंटर करा दिया, 12th इसको करा दिया जी, 3 करके एग्जिट कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन से अब देखना वो डेटा इसमें होगा, आ गया, ये तो दो बार आ गया जी, पिछल का डेटा ये वाला है। ठीक है, तो दो बार आ गया। ठीक है, फिर एक आते स्टूडेंट का नाम को अगर चाहो तो यहाँ से ऐड कर लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन से अब स्टूडेंट हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक, आप लोग को ये बात समझ में आ गया जी, ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि आप चाहते हो तो इसमें एक और फंक्शन जोड़ दो स्क्रीन को क्लियर करने का। स्क्रीन क्लियर करने का मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक और मैं फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं, ये देखिए हो गया फोल्ड, ऐड स्टूडेंट। अब यहां पे एक और मेथड बताता हूं, सो स्टूडेंट, हो गया, ये लो जी। अब हमको सो कराना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे जी, फिर से वही वेरिएबल बनाएंगे, फाइल पॉइंटर एक तो *F कॉमा INT आई, एक वेरिएबल हमने बना लिया जी, आई वेरिएबल मैं बना क्यों रहा हूँ अभी, जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब देख लेंगे। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूँगा, F ओपन, ठीक, इसमें क्या डाल दूंगा मैं, स्टूडेंट, ठीक, डॉट CSV, इसको मैं रीडिंग मोड में ओपन कर लेता हूँ, R दे देता हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे, अब अगर मान लीजिए फाइल होगा तब तो इसमें चला जाएगा उसका एड्रेस, लेकिन फाइल नहीं होगा तो क्या होगा, नल चला जाएगा इसमें। तो हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर फाइल हुआ ही नहीं और चेक करने लगा वो तो फाइल बना ही नहीं है, एप्लीकेशन पहला बार जब आप चला रहे हो तब तो उसमें ऐड नहीं हुआ होगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, एप नल, यहां से चेक कर लेंगे, नल तो नहीं है, अगर नल होगा तो क्या करेंगे जी, बोल देंगे स्टूडेंट नॉट FOUND। अभी आप मत लिखिए, मैं आपको बोलूंगा आखिरी में लिखने के लिए, तो आप लिख लीजिएगा, अभी सिर्फ देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा, अन्यथा क्या करो जी, अन्यथा रीडिंग करो ना फाइल को, क्या दिक्कत है, रीड करने में कोई समस्या तो नहीं है ना, रीड करेंगे, रीडिंग कैसे किया जाता है जी फाइल से, तो मैं चलाऊंगा यहाँ पे वाइल। ठीक है, वाइल को चलाने से पहले मैं कुछ और कर देता हूँ, क्या कर दूँ, एप गेट्स फंक्शन था ना वो, एप गेट्स, ठीक है, तो इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या जाता है जी, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूं मैं सी नाम से, इसको दे देता हूं 10। ठीक है, कॉमा यहां पे असाइन कर दूंगा सी, फिर साइज बोल रहा है मैं 10 दे दूंगा साइज। ठीक है, 10 लाओ, फिर यहां पे फाइल पॉइंटर दे दूंगा मैं। ठीक है, और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ में यहां पे प्रिंट करा दूंगा क्या, %S, उसके बाद कॉमा, और फिर क्या कर दूंगा, उसके बाद सी को कर दूंगा ना प्रिंट, ये कर दूंगा, प्रिंट हो गया ना ये। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा जी, रन कॉल कर दूंगा, कहाँ पे, इस स्विच केस के अंदर जहाँ पे हमने कॉल करा है सो स्टूडेंट, हो गया कॉल, ये लीजिए कॉल कर दिया ना, हो गया। आप लोग को समझ में आ भी रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, या बस कथा सुने जा रहे हो आप लोग,
टू लिख के मैं एंटर मारा तो क्या हो गया, एक लाइन खाली रीड हुआ यार, मजा नहीं आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको फिर से मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे फॉन्ट को छोटा कर दूँ क्या मैं, या ठीक है रहने दो, चलिए अभी रहने देता हूँ। अभी मैं टू चॉइस करके एंटर मारा तो दो लाइन आ गया, पिंटू आ गया, फिर पिंटू डीसी आ गया, फिर ये आ गया। ठीक है, मतलब इसका ये है कि एक बार कॉल होता है ना तो एक लाइन पढ़ लेता है, एक ही लाइन पढ़ता है ना, ये एक लाइन जो है पढ़ लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए जी, उसके लिए हमें करना ये चाहिए कि इसको डाल देना चाहिए लूप के अंदर। कैसे डालेंगे जी, तो यहाँ पे चलाऊंगा व्हाइल लूप। ठीक है, अगर फाइल में कुछ नहीं है, खत्म हो गया ना, तो ये क्या रिटर्न कर देगा जी, नल रिटर्न कर देगा, नल ही रिटर्न करेगा ना। व्हाइल नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ऐसे कर दिया मैं ऐसे, और फिर यहां पे दे देता हूं मैं कर्ली ब्रेसेस ऐसे। ठीक है, यहां पे स्लैश एन भी दे दूं लाइन ब्रेक करने के लिए, दे देता हूं, दे दिया। अब फिर से हम कंपाइल और रन करते हैं जी। टू मैंने एंटर करा, यहाँ पे जो मैं स्लैश एन दिया था ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं नहीं दूंगा स्लैश एन। कहाँ पे दूंगा स्लैश एन मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में आपको। टू करता हूँ, सारे स्टूडेंट आ गए ना यहाँ पे, स्लैश एन मैं एक ठो सिर्फ दे दूंगा, और चॉइस जहाँ पे है ना, चॉइस एड स्टूडेंट, इसके जस्ट पहले, ताकि इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए। ठीक है, तो थ्री में मैं क्लिक करके एंटर किया, ठीक है, एग्जिट हो गया एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, दे दूंगा स्लैश एन। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा आएगा, वन लिखा, वन काहे के लिए करूँगा मैं, टू किया, ये देखिए आ गया ना, फिर टू लिखूंगा एंटर मारूंगा तो स्टूडेंट शो हो जाएगा, हो गया ना शो, तो हमारा एप्लीकेशन काम करने लगा। अब चलिए थ्री लिख के एग्जिट मारा मैं, खत्म कर दिया इसको, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, हमारा सॉफ्टवेयर ये वाला है ना, क्लिक करा इसको मैं, डबल क्लिक करके रन कर दिया। ठीक है, वन में मैं क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट ऐड करता हूँ मैं, ACMANT एंटर, क्लास में कर दिया BCA, एंटर करा, स्टूडेंट ऐड सक्सेस, शो करना है स्टूडेंट, तो क्या करूँगा, दो लिख के मैं एंटर कर दूंगा, ये देखिए आखिरी में आ गया। फिर ऐड करना है तो वन लिखा, फिर एंटर करा। ठीक है, अब फिर इसके अंदर क्या करूंगा, स्टूडेंट का नाम अमित डाल दिया, इसको करा देता हूं जी मैं MCA, फिर एंटर करा, स्टूडेंट ऐड हो गया ना, हो गया स्टूडेंट ऐड, इसको मैं ऊपर लाता हूं। ठीक है, और यहां से थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, स्क्रीन पूरा फुल हो गया मेरा। ठीक है, फिर से स्टूडेंट ऐड करने का है तो ऐड क्या कर दूं जी, सुमित ऐड कर दिया मैं, फिर क्या करूं, सुमित ऐड कर देता हूँ, ऐड सक्सेसफुल हो गया, मैं क्या भूल गया क्या करा था उस समय पे। चलिए वन लिख के एंटर मारा, और क्या यहाँ पे कर दूँ जी, राहुल कर देता हूँ, फिर क्या कर दूँ जी, और कोई नाम बताओ, राहुल ऐड हो गया, और कोई नाम नहीं बताओगे, कुछ भी कर देता हूँ मैं, कुछ भी, क्या चीज, अरे नहीं होता है तो हमको उससे क्या। अब टू लिख के मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है, तो ये सारा आ गया यहाँ पे, ये सारे स्टूडेंट आ गए ना यहाँ पे, आप देख रहे हो आ गया। फिर टू लिख के एंटर मारा तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट आ गए ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। वन लिख के फिर एंटर मारूंगा तो स्टूडेंट ऐड हो रहा है, एक स्टूडेंट का और नाम बता दो आप लोग, लिख दिया जी।
क्लास क्लास बताओ ए बीसीए कर दूं। चलिए जी ऐड हो गया ये, अब मैं दो लिख करके एंटर मारता हूँ, ये ऐड हो गया है, हो गया ना। एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एंटर मारा, एप्लीकेशन खत्म। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, एक दिन का काम हो गया। दूसरे दिन आएंगे ये सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो क्या होगा, फिर से ये ऑप्शन आएगा ना, टू लिख के मैं एंटर मारूंगा। जितना स्टूडेंट हमारे ऐड थे यहाँ पे आ गए हैं, आ गया है ना, ऐड करना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, वन लिख के एंटर मारेंगे और फिर नाम बताइए जी। सोना इसको भी डीसीए करा दे रहा हूँ, ये लो स्टूडेंट, टू लिख के एंटर मारता हूँ आ गया, ठीक है। थ्री लिखा, ठीक है, ये लो जी नीचे आता हूँ अब मैं, ठीक है। थ्री में है एग्जिट एप्लीकेशन, थ्री करके एग्जिट करा तो एप्लीकेशन एग्जिट हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ना। हाँ बना लिया हम लोग सॉफ्टवेयर एक तो स्टूडेंट को मैनेज करने का। यहाँ पे आके लिख देता हूँ जी नेम कॉमा क्लास, सेव हो गया, काम खत्म हमारा। यही हमारा सॉफ्टवेयर है, हम यही सॉफ्टवेयर पकड़ा देंगे किसको, अपने क्लाइंट को, ठीक। इतने जो है स्टूडेंट हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है। एग्जिट करके एंटर कर देता हूं मैं, तो हमारा बन गया ना प्रोग्राम ऐड वगैरह करने का। तो आप लोग को समझ में आ गया जी, नहीं आया बोलिए, इतना ज्यादा पढ़ता हम होते तो फिर तो सबको समझ में आ गया, नहीं आया स्टार्टिंग से एक बार बता दूं, ठीक है जी बता देते हैं स्टार्टिंग से। जब आप कहते हैं तो वाइट स्पेस हटा देता हूं, क्या फॉन्ट को कम करने का जरूरत है, मतलब फॉन्ट को छोटा करने का, छोटा ना करूं फॉन्ट को, छोटा कर दूं। चलिए जी तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक, किसी कीमत पर, ठीक है, तब तो लगेगा ना कि हाँ हमने C++ या C पढ़ा है। ये मैंने किस में बनाया है, C लैंग्वेज में, ठीक, C++ में आपको बनाना है सेम तरीके से, ठीक। बदलाव कहाँ करना पड़ेगा, स्कैनएप में, प्रिंटएप में, सिर्फ इतने में ही बदलाव करना पड़ेगा, बाकी तो सेम ही चलेगा। वहां पे क्लास के फॉर्म में हम बना लेंगे और मेथड के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग C++ में इसको बनाने का कोशिश करना, नहीं बनेगा तो बताना। प्रोग्राम सबसे मेन मेथड से चलता है ना, मेन फंक्शन से चलता है प्रोग्राम। मैं मेन में आता हूँ, पहले मेन में आया, यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, वाइल, मतलब एक कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, ठीक, एक कंडीशन हमारा ट्रू होगा हमेशा, आएगा यहाँ पे एक हमारा इंट नाम का वेरिएबल बनेगा और फिर ये लाइनें प्रिंट हो जाएंगे। वन चॉइस करोगे तो ऐड होगा, टू चॉइस करोगे तो सो होगा, थ्री चॉइस करोगे तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, स्कैनएप से इनपुट लेंगे और आई में क्या चला जाएगा, जो हम एंटर किए रहेंगे वो चला जाएगा आई में। जैसे मान लो आई में आ गया वन, तो वन इस केस से मैच हो रहा है, ऐड स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक। तो अब ऐड स्टूडेंट फंक्शन में चलते हैं, हम कहां पे हैं, ये यहां पे हेडर फाइल इंक्लूड किया हूं, यहां से लेकर के यहां तक ऐड स्टूडेंट फंक्शन है। सबसे पहले मैंने फाइल पॉइंटर बनाया है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नेम टाइप का, दूसरा वेरिएबल लिया है सी टाइप का, मैंने क्लास लिया है, फिर यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट को मैंने ओपन किया है, फाइल को ओपन किया, फिर यहाँ पे मैसेज दिया इंटर स्टूडेंट नेम एंड क्लास, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, स्कैनएप में उसको होल्ड करा नेम को और क्लास को, ठीक है। फिर पुट्स मेथड से पहले बार मैंने क्या करा, नेम को डाल दिया फाइल में, फिर मैंने क्या किया पुट्स के बाद कॉमा को
पुट्स किया उसमें, डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया, फाइल में कोर्स को डाला, ठीक है। फिर क्या करा, एक लाइन मैंने ब्रेक करा, तभी तो अगले लाइन में जाएगा ना। फिर मैंने क्या किया, इतना जब मैंने करा तो ये सारा बफर में जाके सेव हो गया था, ठीक है। और जैसे ही एप क्लोज मैंने फंक्शन चलाया फाइल के ऊपर, तो बफर से सारा डेटा फोर्सफुली फाइल में राइट करके फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैं जब प्रैक्टिकल करा रहा था तो एप क्लोज उस समय पे नहीं किया था, फिर भी स्कैनएफ से डेटा लेते थे तो चला जाता था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा था, तो हमने फोर्सफुली जो है करा दिया। तो आप इस तरह के कुछ असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट जैसा छोटा छोटा चीज़ें बनाओगे तो आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है और डेवलप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने मैसेज क्या दे दिया, स्टूडेंट एड सक्सेस, ठीक। फिर क्या होगा, ये जैसे ही फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन फिर कहाँ पे जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, एड स्टूडेंट नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था, राइट। अब ये फंक्शन यहाँ पे जब कॉल हुआ तो क्या हुआ जी, फिर यहीं पे आया, फिर उसके आगे ब्रेक लिखा है, तो क्या किया, ब्रेक कर गया। अब ब्रेक कीवर्ड कहाँ कहाँ लगता है, लूप में लगता है और फिर स्विच केस में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच केस में ब्रेक लिख रखा है, तो क्या होगा, ये स्विच केस के लिए काम करेगा, ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ब्रेक करने के बाद इस स्विच केस से बाहर आएगा और फिर लूप में चला जाएगा, फिर वेरिएबल बनेगा और फिर से यही लाइन जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता था ना प्रोग्राम, हम ऐड करते थे स्टूडेंट तो फिर से यही आ जाता था ऐड होने के बाद, काम करने के लिए स्टूडेंट का ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नहीं देंगे तो काम कैसे कर पाएगा यूजर, नहीं कर पाता, तो फिर से जो है यही ऑप्शन आ जाएगा और फिर से यूजर से इनपुट कराएंगे, फिर से अगर वन मैंने एंटर किया तो फिर से यही ऐड कर देगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे टू एंटर करा मैंने, टू यूजर से लिया, यहाँ पे आई में चला गया टू, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। और टू आने के बाद क्या होगा, सो स्टूडेंट कॉल हो जाएगा। जैसे सो स्टूडेंट कॉल होगा तो मैं जाता हूँ अब सो स्टूडेंट में, ठीक है। तो ये तो है ऊपर वाला फंक्शन, क्या उस फंक्शन का नाम था, एड स्टूडेंट, एड स्टूडेंट है ना, ये देखिए एड स्टूडेंट का है ये ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को आप बोलिए, ये है हमारा सो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रैकेट है, ठीक। ये है पूरा सो स्टूडेंट। यहाँ पे भी एक तो मैंने फाइल पॉइंटर बनाया, फिर यहाँ से एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया, एक तो वेरिएबल जिसमें डेटा हम रखेंगे, ठीक है। फिर क्या किया, एप ओपन से ओपन कर लिया रीडिंग मोड में, हमें यहाँ पे खाली रीडिंग करना है तो इसलिए रीडिंग मोड में ओपन किया, और पहले चेक किया कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता, नल आ जाता यहाँ पे, और नल से कंपेरिजन हम करते, फिर बोलते थे स्टूडेंट नॉट फाउंड ऐड करो। जैसे ही वो स्टूडेंट ऐड करेगा तो क्या होगा, फाइल क्रिएट कर देगा और फिर उसमें डेटा ऐड कर देगा, यही होता है ना। फिर अगर नल नहीं होता तो क्या होता, ये फाल्स होता कंडीशन, तो आता एल्स वाले में, और एल्स में क्या होता, एफ गेट्स मेथड हमने चलाया और यहाँ से डेटा लिया, ठीक है। ए सी नाम के वेरिएबल में डेटा रखेंगे, कितना, हम 10 कैरेक्टर रख देते हैं, ठीक है। कहाँ से डेटा निकालना है, फाइल पॉइंटर से निकालना है। अभी नल रिटर्न कर देगा, मतलब मान लो कि डेटा खत्म हो गया जी, डेटा यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ए सीन में डेटा जो आएगा वो डेटा आ जाएगा, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेगा, लूप यहाँ पे फिर से आएगा, फिर से ये पॉइंटर में फिर से ये कॉल होगा, फिर यहाँ से 10 कैरेक्टर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रीडिंग करेगा, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये बार बार चलेगा कब तक, जब तक कि फाइल का डेटा सारा खत्म ना हो जाए, मतलब सारा फाइल, आपने देखा था ना मैंने फंक्शन को दो बार कॉल किया था तो दो लाइन प्रिंट हो गए थे, तीन बार कॉल करा था तो तीन लाइन प्रिंट हो गए थे, देखा था आपने, तो ठीक यही, इसको हम बार बार लूप के थ्रू चलाए, ठीक है। सारा जैसे ही प्रिंट हो गया, ये लूप खत्म हुआ, आया एल्स ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक खत्म होने के बाद चला गया कहाँ पे, फंक्शन में आ गया, और जैसे फंक्शन के बाहर आया तो ये फिर कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे फिर से आ जाएगा और फिर यहाँ पे ब्रेक चलेगा। जैसे ब्रेक चलेगा ये स्विच केस खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट होगा स्विच केस, और फिर कहाँ पे आ जाएगा, लूप, इस लूप के अंदर, और ये लाइन फिर से प्रिंट कर देगा। तो यही होता था, स्टूडेंट का लिस्ट शो होने के बाद ये प्रिंट हो जाता था कि आप फिर से स्टूडेंट आप ऐड करेंगे, शो करेंगे या एग्जिट करेंगे, यही होता था ना। फिर क्या करेंगे, हम तीसरे में आते हैं। तीसरे में हम क्या करते हैं, तीसरे में एप्लीकेशन को हम बंद कर देते हैं, क्लोज करते ही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही थ्री दबाएगा एप्लीकेशन में, कर दिया हमने एग्जिट और पास कर दिया
जीरो माने कि हमारा सब कुछ काम खत्म हो गया जी, सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। तो एग्जिट में क्या करता है, एग्जिट जो है फंक्शन वो सॉफ्टवेयर को हमारा बंद कर देता है फोर्सफुली, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेक है, जब एग्जिट चल जाएगा तो ब्रेक का तो कोई खत्म ही होगा, एप्लीकेशन ही बंद हो गया तो ब्रेक का चलना ना चलना कुछ वो नहीं है, चलेगा नहीं ब्रेक, सीधा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दो तीन में कुछ भी नहीं एंटर करेगा तो डिफॉल्ट में इनवैलिड यहाँ पे प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है वो स्विच का ब्रैकेट है, फिर लूप का ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है ऐसे, और ये मेन फंक्शन का बॉडी है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, नहीं है क्लियर, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई कुछ पूछोगे नहीं पूछोगे। ये है स्टूडेंट नाम का फंक्शन, फोटो खींचोगे तो आप लोग खींच लो, लिखोगे तो आप लोग लिख लो। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका क्या कहते हैं, इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा काम करो ना, फंक्शन को अलग अलग लिख लो, ठीक है। फिर क्या करना, यहाँ पे तो मेन फंक्शन फिर जब बनाओगे, ठीक है, जब ये मेन फंक्शन बनेगा ना तो मेन फंक्शन बनाना और यहाँ पे फिर फंक्शन को सिर्फ कॉल कर लेना, ठीक है। पहले स्टूडेंट फंक्शन बना लेना, फिर बना लेना सो, ठीक है। फिर मेन फंक्शन में क्या करना, जैसे मन करे वैसे कर लेना यार, ठीक है। ये है मेन फंक्शन, ठीक, मेन फंक्शन का लिख लो आप, ठीक है। फिर मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, मेन फंक्शन लिखने के बाद इतना लिख लेना, फिर मुझे बताना, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, रोक के रखता हूँ। यार 1 घंटे 51 हो गया, इतना टाइम ले लिया मैं ये छोटे से काम करने के लिए। लिख लीजिए, रोक के मैं रखता हूँ तब तक लेगा। नीचे करूँ, केस 3 तक लिखे थे ना, हाँ, इसके बाद फिर बताना तो ऊपर वाला दिखा दूँगा। हो गया, इतना खींच लिया आप लोग फोटो या लिख लिए, मेन मेथड तो पूरा आपने लिख लिया, ये मेन मेथड का। चलिए अब हम क्या लिख लें, सो स्टूडेंट, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, अभी कहां से कहां तक लिखना, सिर्फ इसके अंदर वाला लिखना, अभी सिर्फ इसके अंदर का ही, ठीक। ये सो स्टूडेंट फंक्शन बनाओगे, फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के अंदर का लिख लो, ठीक। ये लिख लो, फोटो खींच लो, तब तक मैं पॉज करता हूँ। लिख लिया ना, चलो मैं ऐड स्टूडेंट का आप दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना आप लोग, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ऐसे कर दूँ तो ये लो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लिख लो। ये है ऐड स्टूडेंट, ये सो स्टूडेंट तो आपने लिख लिया, तो इसको भी लिख लो जी, या फोटो खींच लो, मैं रोक के रखता हूँ। तो ये आप कह रहे हैं कि इसको मैं पहले से बनाया हूँ, राइट, हाँ मैं बनाया तो पहले से ही था, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ ना कि मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, और ये सारा तो आप लोगों ने अब लिख ही लिया है। इसमें अब कुछ बचा नहीं, सब आपने लिख लिया, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग बनाना ये प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, डिलीट मार दिया। इसमें मैं डबल क्लिक करा, ठीक है, 2 पे मैं क्लिक करके एंटर करूँगा, बोल रहा है स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट है ही नहीं, ऐड करना पड़ेगा आपको। तो 1 लिख के मैंने एंटर मारा, बोल रहा है नाम बताओ, अमित लिखा, और क्लास बताओ, DCA कर दिया, ठीक है, एंटर मारा, ऐड हो गया स्टूडेंट। अब मैं 2 मार के एंटर मारूंगा तो अमित और DCA आ गया, ठीक है, कंपाइल हो गया, बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट वाला फाइल है, डिलीट मार दिया, ठीक है। फिर इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, चलाऊंगा, 2 अभी करूंगा तो नॉट फाउंड आएगा, 1 कर दूंगा तो स्टूडेंट को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सुमित ऐड कर दिया, इसमें कर दिया DCA, ऐड हो गया, ठीक है। अब सो करूंगा स्टूडेंट तो सो हो गया, 3 दबा के एग्जिट कर लूंगा, फिर से इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो वही ऑप्शन आएगा, 2 लिख के एंटर करूंगा तो स्टूडेंट जो ऐड किया था वो आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप काम कर लोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? नहीं है, ओपन इसको मैं करता हूँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? होगा। चलिए आप लोग प्रैक्टिकल करिए, कोई दिक्कत आएगा तो पूछिएगा। ठीक है,